नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मीघा। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनाव के दौरान गठबंधन के साथियों को लेकर जितनी मजबूत नजर आ रही थी, आज की तारीख में सपा उतनी ही कमजोर हो गई है। शिवपाल यादव, केशव देव मौर्य, ओम प्रकाश राजभर, अपर्णा यादव, ये वो लोग हैं जो पूरी तरह से अखिलेश यादव के खिलाफ जा चुके हैं। शिवपाल यादव और ओम प्रकाश राजभर के भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ जाने के दावे हैं जो लगातार किए जा रहे हैं। इन दावों से हटकर इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे जो घाव अपर्णा यादव ने अखिलेश यादव को दिया, उस पर मरहम आजम खान की बहू सिद्रा खान किस तरह से लगाने जा रही हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी महिलाओं के मुद्दे पर बात जरूर करना चाहती है, लेकिन एक मजबूत महिला इस आवाज को उठाने के लिए है ही नहीं। भाजपा की तरफ से स्मृति ईरानी, पल्लवी पटेल, अपर्णा यादव जैसी तमाम महिलाएं हैं जो महिला सशक्तिकरण और महिलाओं की समाज में बराबरी का मुद्दा चुनाव के दौरान उठाती हैं, लेकिन सपा की तरफ से इन मुद्दों पर भाजपा को घेरने के लिए इकलौते डिंपल यादव नजर आती हैं। इसी को लेकर अब एक जानकारी सामने आई है और वो ये है, 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अखिलेश यादव आजम खान की बहू सिद्रा पर बड़ा दाव खेल सकते हैं। जी हाँ, आजम खान की बहू सिद्रा, जो पहले भी अपने तमाम इंटरव्यूज में राजनीति में आने की इच्छा जाहिर कर चुकी हैं, सिद्रा खान जिन्हें आपने रामपुर में आजम खान के चुनाव प्रचार में कई बार देखा है, वो सिद्रा खान बीजेपी पर महिलाओं को लेकर सपा की तरफ से आवाज उठाती हुई नजर आ सकती हैं। सिद्रा खान को जनता के बीच जाकर अपनी विश्वसनीयता मजबूत करने के आदेश भी सपा अध्यक्ष की तरफ से दिए जा चुके हैं। आजम खान जब जेल की सलाखों के पीछे थे, तब सिद्रा रामपुर में उनका चुनाव प्रचार देख रही थी। ऐसे में जनता के बीच उनकी अच्छी खासी पकड़ भी है, लेकिन अब महिलाओं का विश्वास जीतने के लिए सिद्रा खान 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर शुरू से एक पारी की शुरुआत करने वाली हैं। अपर्णा यादव के भाजपाई हो जाने से जो नुकसान अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव को हुआ है, उस नुकसान की भरपाई आजम खान की बहू सिद्रा करती हुई नजर आएंगी। नेक्स्ट नाइन न्यूज रूम की रिपोर्ट।